नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को और उनके पूरे परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन पर सदैव अपनी कृपा बनाएं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। आज मैं आपको ध्यान में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए यह बताने जा रही हूँ। ध्यान में पहली सावधानी तो यह रखनी चाहिए कि आपको एक ही जगह ध्यान करना चाहिए, एक ही आसन पर ध्यान करना चाहिए और एक ही समय पर ध्यान करना चाहिए। रोज समय बदल दिया, रोज आसन बदल दिया, रोज जगह बदल दी, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कभी कभार बीच में कहीं अपन बाहर गए हैं तो बात अलग है, लेकिन रोज यदि आप कर रहे हैं तो आप एक ही जगह चुने, एक ही आसन चुने और एक ही समय चुने। बेहतर हो, सबसे बेहतर हो कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं तो सबसे बहुत अच्छा समय रहेगा ये, क्योंकि इस समय पॉजिटिव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में रहती है। हमारा बॉडी भी पंचभूत तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, अग्नि, पांच तत्वों से बना हुआ है। और इस अखिल ब्रह्मांड में जो पंचभूत तत्व हैं वो उस समय पूरे सकारात्मक अवस्था में रहते हैं, हमारा शरीर भी सकारात्मक अवस्था में रहता है। तो जो ब्रह्मांड की पॉजिटिव मटेरियल है, पॉजिटिव तत्व है, उन्हें हमारा शरीर बहुत हाई परसेंटेज में, हाई लेवल पर, हाई फ्रिक्वेंसी में वो उसको ग्रहण करता है, ग्रहण कर लेता है। लेकिन अन्य समय में ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है, हमारे शरीर में भी नेगेटिव एनर्जी है, तो हम उतना पॉजिटिवली, उतने हाई फ्रिक्वेंसी में, उतने हाई परसेंटेज में ग्रहण नहीं कर पाते उन पॉजिटिव चीज़ों को जो इस ब्रह्मांड से हमें ग्रहण करनी होती है। इसलिए सबसे बेहतर समय है ब्रह्म मुहूर्त का। लेकिन यदि आप नहीं कर पा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो ना करने से तो बेहतर है कि आप कोई सा भी एक समय जरूर चुने और ध्यान पे जरूर बैठे। 20 मिनट का समय होना चाहिए ध्यान का, ध्यान का समय इससे कम का ना हो, कम से कम 20 मिनट तो आपको ध्यान पर जरूर बैठना चाहिए। ध्यान में बैठने के पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वहाँ पे मक्खी मत हो, मच्छर मत हो, वायु का प्रवाह बना हुआ हो और प्रकाश हो। अंधकार में कभी भी ध्यान नहीं करना चाहिए, कभी भी अंधकार में ध्यान, अंधकार में बैठ के, अंधेरे में बैठकर कभी भी ध्यान ना करें अंधेरे में। और ध्यान में बैठने के पहले कम से कम एक दीपक जला लें या कुछ खुशबू कर लें, क्योंकि यदि आप एक दीपक जलाते हैं या कुछ खुशबू करते हैं तो इससे नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है, बाहर दूर चली जाती है। पॉजिटिव एनर्जी, जो ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपकी तरफ, आपके उस वातावरण में आकर्षित होती है। तब आप ध्यान में बैठते हैं तो वो जल्दी से आप ध्यान में उतर सकते हैं। और आपको ध्यान में बैठने के पहले कुछ प्राणायाम जरूर कर लेने चाहिए, चाहे जो भी अनुलोम विलोम कर लें, कुछ भी करें, कुछ गहरी सांसें छोड़ें, कुछ गहरी सांसें लें। गहरी सांसें जब हम छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के सारे नेगेटिव जो टॉक्सिन्स हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो बाहर निकल जाती है, हमारा शरीर खाली हो जाता है नेगेटिव एनर्जी से। और हम जब गहरी सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड की जो प्राणवायु है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो हमारे शरीर के रोम रोम में पहुँचती है। क्यों? क्योंकि हम गहरी सांस ले रहे हैं, तो हमारे रोम रोम में जब पहुँचती है, हमारे पोर पोर में जब हमारे पहुँचती है, तो हमारा रोम रोम, हमारा पोर पोर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हमारा चित्त एकदम शांत हो जाता है और हम बहुत आसानी से ध्यान पे उतर पाते हैं। इसलिए ध्यान में बैठने के पहले कुछ देर प्राणायाम, कम से कम 20 लंबी सांस छोड़ें और लंबी सांस लें, कम से कम 20, कम से कम इतना आपको अवश्य करना चाहिए। जब आप नींद में आ जाते हैं, थोड़ी नींद आ रही है, आपका सोने का टाइम हो गया, थोड़ी नींद आ रही है, एक टाइम ये जस्ट सोने के पहले, और जब आप सुबह उठे होते हैं बिल्कुल ओनींदी, उस समय, इन दो समय आपका ब्रेन जो है वो अल्फा स्टेज में होता है। इसे विज्ञान ने भी माना है, अल्फा स्टेज को, ब्रेन के अल्फा स्टेज को विज्ञान ने भी माना है, धर्म अध्यात्म ने तो माना ही, ज्योतिष ने तो माना ही है, विज्ञान ने भी माना है। तो इन दो समय में यदि आप ध्यान करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ध्यान सधता है। इसलिए या तो आप सोने के जस्ट पहले ध्यान करें या उठने के जस्ट बाद आप ध्यान करें। नहाने धोने इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा समय, बिल्कुल समय बर्बाद न करते हुए आप ध्यान में बैठ जाएँ। ध्यान में कई प्रकार के आपको अनुभव होंगे, भूल कर भी इन अनुभवों को किसी के साथ भी शेयर न करें। ये आपके और उस अनंत शक्ति के बीच की गोपनीय चीज़ें हैं, जिसे आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। यदि आपने शेयर कर दिया तो फिर से आपको वो अनुभव नहीं होंगे, वो अखिल जो शक्ति है वो आपसे फिर जल्दी से कॉन्टेक्ट नहीं करेंगी। इसलिए ध्यान के अनुभवों को किसी के साथ शेयर ना करें। ध्यान में बैठने के पहले आप जिस आसन में बैठते हैं उसमें कुछ जल छिड़क लें, उसे प्रणाम कर लें,
और जब आप उठते हैं तब भी उसमें जल छिड़क लें, उसे प्रणाम कर लें और अच्छे से मोड़कर उसको सहज के रखें। यह नहीं कि उसे फिर छोड़ दिया, कोई भी उसके ऊपर पैर रख रहा, कुछ कर रहा है। आप जिस जगह ध्यान में बैठते हैं, मान लीजिए आप बिस्तर में ही बैठते हैं, मैं बिस्तर में बैठ के करती हूँ, पहला तो उठ के तुरंत जो मैं करती हूँ, मैं पहला ध्यान बिस्तर पर करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बिस्तर को हर कोई स्पर्श ना कर पाए। तो आप भी जो आपके ध्यान की जगह है उसको कोई स्पर्श न कर पाए, इस बात की कोशिश करें। ऐसी जगह में ध्यान न करें जहाँ लोग आपको देखते हों, और जो लोग ध्यान का वैल्यू नहीं समझते हों, तो ऐसे लोग आपकी आपके ध्यान की खिल्ली उड़ाएंगे, उसका नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए आप ऐसी जगह, खुले जगह में ध्यान न करें, ऐसी जगह में ध्यान न करें जहाँ लोग आपको आश्चर्य से देखते हो या फिर थोड़ा एंटी भाव लेकर आपको देखते हो। ऐसी जगह में भी आपको ध्यान में नहीं बैठना चाहिए। ध्यान में बैठने के बाद आप अपना पूरा दिमाग को खाली कर दें, विचारों को खाली कर दें, बाकी की फालतू की बातें मत सोचें। यदि बाकी की फालतू की बातें आती भी हैं तो आप तनाव भी मत लें, चेहरे में एक मुस्कान रखें, चेहरे में स्ट्रेस बिल्कुल ना लाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और ऐसे आसन में बैठें जिसमें आपको आसानी हो। ज्ञान मुद्रा लें, ये अग्नि का अंगूठा, अग्नि तत्व का है अंगूठा, तर्जनी उंगली है वायु तत्व, इन दोनों को मिलाने से और इन बाकी तीन उंगलियों को खोल देने से ये जो मुद्रा बनती है, ये ज्ञान मुद्रा बनती है। तो ज्ञान मुद्रा में बैठें और ऐसा आसन न लें, ऐसे आसन में न बैठें जिसमें आपको थोड़ी ही देर के बाद में तकलीफ होने लगे। आप बहुत ही आराम से बैठें, जिसमें आपको आराम मिलता है आप उस आसन में बैठें। यदि आप जमीन में बैठ के नहीं कर पाते, पालथी मोड़कर नहीं बैठ पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुर्सी में बैठ जाएं, आप पलंग में बैठ जाएं, लेकिन आप ऐसी अवस्था में बैठें, ऐसी आरामदायक स्थिति में बैठें जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना होता हो, कोई परेशानी, शारीरिक कोई परेशानी आपको ना होती हो, क्योंकि शारीरिक परेशानी होगी तो आपका मन डिग जाएगा और आपका मन डिगेगा तो आपका ध्यान नहीं सधेगा। इसलिए ध्यान में बैठने पर इन सारी बातों का आपको, इन सारी सावधानियों का आपको जरूर पालन करना चाहिए। समय का जरूर ध्यान रखें, 20 मिनट कम से कम ध्यान में करें, 20 मिनट से कम में ध्यान नहीं सध पाएगा। और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त का समय चुनते हैं तो हो सकता है पहले ही दिन से आपको उस अनंत शक्ति से आपका कांटेक्ट हो जाए और आपको अपने शरीर में वाइब्रेशन चलता हुआ महसूस हो, करंट चलता हुआ महसूस हो, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करंट चलता है अपने हमारे शरीर में। जब ध्यान सदता है, परम शक्ति जब हमसे कांटेक्ट करती है तो हमारे शरीर में इस तरीके से कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में सहस्रार चक्र से होकर कहीं पर भी इस तरीके से ऐसे करंट चलता है, ऐसा लगता है कोई चीज ही चल रही है शरीर में, इस तरीके से करंट चलता है। तो हो सकता है पहले ही दिन आपको आपका ध्यान सज जाए यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं। अदर टाइम में आपको कितना समय लगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, परंतु फिर भी ध्यान का फायदा अवश्य मिलता है। ध्यान आप कभी भी करें, किसी भी समय करें, और ध्यान आप सही ढंग से कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो आपका ध्यान जरूर सधेगा। ध्यान करते समय एक सावधानी और बरतनी चाहिए कि आपको नेगेटिव चीज़ों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स को नहीं। जो भी आप बोलते हैं ना, जो भी आप उस समय थॉट करते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी करते हैं, जो आपके मान लीजिए आपको ख्याल आ ही रहा है, तो यदि नेगेटिव ख्याल आ रहा है तो उसको बाहर झटकिए और पॉजिटिव ख्याल ही, मतलब ध्यान में भी ख्याल आता है ना शुरुआती दौर में, तो शुरुआती दौर से ही आप ये प्रैक्टिस करिए कि नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को अपने पर हावी मत होने दीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन ही अपने आप को देते रहिए। हाँ, मेरे साथ हो रहा है, मैं ध्यान मेरा सत्र है, ब्रह्मांड की सत्य मुझे कॉन्टेक्ट कर रही है, और आप कल्पना करें और अपने आप को विश्वास दिलाएं, अपने माइंड को विश्वास दिलाएं कि हाँ, उस परम शक्ति से मेरा कांटेक्ट हो गया है और वो परम शक्ति का संचार मेरे शरीर में हो रहा है, मैं जरूर कर पाऊंगा, मैं मेरा ध्यान सध रहा है, इस तरीके के पॉजिटिव एफर्मेशन दें। इसके अलावा मैं और भी बताऊंगी, सांभवी मुद्रा में करना चाहिए ध्यान, मैंने बताया था आपको, तो हर एक चीज़ बताऊंगी, अल्फा स्टेज क्या होता है ये बताऊंगी, एक ही समय क्यों चुनना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है ये बताऊंगी आगे वीडियो में, बहुत सारे मैं और भी जानकारियां देती जाऊंगी। तो इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।